इस सवाल में हमें प्रूफ करना है कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS हमें दिया गया है साइन 2 इंटू 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2। अब हम आते हैं RHS में। RHS हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां पे हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 बाई 3 हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 4। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे कैंसिल होके रूट 3 बच जाएगा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो LHS भी हमें रूट 3 बाई 2 मिला था और RHS भी रूट 3 बाई 2 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS 2। थैंक यू।